मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत की जनता को एक और शानदार तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने चंपावत के गोलजीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने यह घोषणा फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन कर महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वो मेले में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गोलू देवता हमारे आराध्य देव हैं और न्याय के देवता के रूप में पूजनीय हैं। अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलजू महोत्सव को धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने पर सभी भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर है हमारे भारत माला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तरह जोड़ा जा रहा है। और जो हमारे कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।